एवरीवन, वेलकम टू माय किचन डिलाइट वेजी रसोई। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही फेमस स्वीट एंड चाट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है दही भल्ले। दही भल्लों को घर पर बनाना आसान है, लेकिन उसकी तैयारी हमें पहले ही करके रखनी पड़ती है। हमें दाल को भिगोकर रखना पड़ता है, उसे पीसना पड़ता है और फिर उन्हें डीप फ्राई करके हम दही भल्ले बनाकर तैयार करते हैं, जिसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन आज मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ इंस्टेंट दही भल्ले की रेसिपी, जिसे हम सूजी को यूज़ करके बनाएंगे। इतना ही नहीं, इसे हम बिना डीप फ्राई करके बनाने वाले हैं। खाने में एकदम बिल्कुल बाजार जैसे टेस्टी और सॉफ्ट होने वाले हैं। साथ ही मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ दही भल्ले में यूज होने वाली तीन मेन चीजें, जो कि है हरी चटनी, खट्टी मीठी आमचूर की चटनी और दही भल्ले का सीक्रेट वाला मसाला। तो आइए फटाफट ये दही भल्ले बनाना शुरू करते हैं। तो इंस्टेंट दही भल्ले बनाने के लिए सबसे पहले हम भल्लों का बैटर बना लेते हैं। उसके लिए एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे एक कप सूजी। जितनी हमने सूजी लेनी है उतनी ही दही हम इसमें डाल देंगे, यानी एक कप दही इसमें हम डाल देंगे। साथ ही हम बिल्कुल थोड़ा सा यानी एक चौथाई कप के करीब पानी हम इसमें डाल देंगे। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे हमें सूजी को दही में मिलाना है। इस तरह से इकट्ठा करते हुए और फिर फ्लैट करते हुए हमें सूजी को दही में मिक्स करना है। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच जीरा, डालेंगे एक बड़ा चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। नमक हम इस टाइम पर थोड़ा कम ही डालेंगे, क्योंकि हम भल्लों को पानी में भिगोकर रखेंगे, उस पानी में भी नमक होगा। अब एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए भल्लों के लिए बैटर बनकर तैयार है। अब हम इसे ढककर 20 से 25 मिनट तक रख देते हैं। तब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम दही बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने इस तरह से स्ट्रेनर लेना है और स्मूथ दही बनाने के लिए हम दही को स्ट्रेनर में से छानेंगे। हमने टोटल 1 kg दही लिया था, जिसमें से हम 1 कप पहले दही यूज़ कर चुके हैं और बची हुई दही को अब हम छान रहे हैं। सारी दही को हम इस तरह छान लेंगे। तो ये देखिए देखने में लग रही है ना बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल दही भल्ले वाली दही। दही भल्ले वाली दही थोड़ी मीठी होती है, तो अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी। कर देंगे अच्छे से मिक्स। आप चाहें तो नॉर्मल शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पिसी हुई चीनी को मिक्स करने में आसानी होती है, इसलिए मैंने पिसी हुई चीनी का यूज़ किया है। तो ये देखिए दही बनकर तैयार है। दही भल्ले का दही तो ठंडा ही अच्छा लगता है, इसलिए अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं। अब हम तैयार करेंगे दही भल्ले का मसाला। उसके लिए एक पैन में डालेंगे 3 छोटे चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच अजवाइन डाल देंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे। जीरा और अजवाइन देखिए भुन चुकी है। डालेंगे 1 छोटा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच सफ़ेद नमक डाल देंगे, 2 छोटे चम्मच देगी मिर्च डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच अनारदाना पाउडर डाल देंगे, 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला डाल देंगे, 2 छोटे चम्मच काले नमक के डाल देंगे। अब इन सबको भी एक बार चलती हुई गैस पर चला लेंगे, ताकि मसालों का भी जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए मसाला तैयार है। कर देंगे गैस को बंद। अब जो हमने मसाला तैयार किया था उसे एक चॉपिंग बोर्ड के ऊपर डाल देंगे और इस तरह से बेलन की मदद से इसे अच्छे से पीस लेंगे। हमें इसे थोड़ा दरदरा ही रखना है, बहुत आसानी से ये बेलन से पिस जाएगा। तो ये देखिए दही भल्लों के लिए मसाला भी बनकर तैयार है। अब हम बना लेते हैं दही भल्लों को भिगोने के लिए पानी। उसके लिए एक मिक्सिंग बोल में डालेंगे 1 लीटर नॉर्मल ताज़ा पानी, डालेंगे 1.5 छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच हींग डाल देंगे। कर देंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए दही भल्लों को भिगोकर रखने के लिए पानी भी बनकर तैयार हो चुका है। अब हमारी रह गई है 2 तरह की चटनी बनानी। सबसे पहले हम बनाते हैं खट्टी मीठी आमचूर की चटनी। उसके लिए हमने इस तरह से एक बोल में 1/4 कप आमचूर ले लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे मिक्स करते हुए इसके सारे लम्स को ख़त्म कर लेंगे। तो ये देखिए आमचूर का घोल बनकर तैयार है। अब हम एक पैन लेंगे और डालेंगे उसमें 1.5 कप पानी। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप चीनी, 1/2 कप गुड़ डाल देंगे। अब इसे चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि गुड़ और चीनी अच्छे से घुल ना जाए। आप चाहें तो सिर्फ 1 कप चीनी या फिर सिर्फ 1 कप गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए गुड़ और चीनी अच्छे से घुल चुका है।
आप जैसा कि देख रहे हैं गुड़ और चीनी की कुछ इम्प्योरिटीज हैं जो इस पानी में ऊपर आ चुकी हैं, तो अब हम इसे छान लेंगे। इस तरह से स्ट्रेनर की मदद से हम गुड़ और चीनी के पानी को छान लेंगे। अब पैन को एक बार हम धो चुके हैं और उसी पैन में वापस इस पानी को डाल देंगे। अब जो हमने आमचूर का घोल बनाकर तैयार किया था उसे भी इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर कोई गुठली नहीं बननी चाहिए, सभी गुठलियों को हमें ख़त्म करना है। इस चटनी की खासियत यही है कि ये फटाफट बन जाती है, और दूसरा ये भी है कि ये कभी ख़राब नहीं होती। आप इसे कितने भी टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए आमचूर अच्छे से घुल चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को हाई करेंगे, डालेंगे एक छोटा चम्मच देगी मिर्च, एक छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, एक छोटा चम्मच काला नमक डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। अब इसे इसी तरह हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाएंगे। आप इसे जितना गाढ़ा रखना चाहते हैं उतनी देर तक इसे पका सकते हैं। 5 मिनट बाद मैं आपको गैस को कम करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए चटनी कितनी अच्छी लग रही है, एकदम ग्लॉसी और एकदम गाढ़ी हो चुकी है पहले से। ये कर देंगे गैस को बंद। तो ये देखिए हमारी खट्टी मीठी चटनी भी बनकर तैयार है। ठंडी होने पर ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। अब तैयारी करते हैं हरी चटनी की। उसके लिए मैंने एक बंच धनिए को अच्छे से साफ करके उसे अच्छे से धो लिया था। बस ये ध्यान रखिए कि धनिए की बारीक डंडियां हमें फेंकनी नहीं है, उससे चटनी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही मैंने यहाँ पर एक मुट्ठी भर पुदीने के पत्ते ले लिए हैं, 5 हरी मिर्च ले ली है, 1 इंच अदरक के टुकड़े को इस तरह से मैंने पीसेस में कट कर लिया है, 1 बड़ा चम्मच मैंने रोस्टेड पीनट्स ले लिए हैं, 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर बूंदी ले ली है। आप इसकी जगह सेव या फिर भुनी हुई चना दाल भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और सभी इंग्रेडिएंट्स को उसमें डाल देंगे। ये चटनी एकदम गाढ़ी और रेस्टोरेंट स्टाइल बनने वाली है। आप चाहें तो इसमें पानी डालकर अपने हिसाब से इसे पतला भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें दही डालकर इसे दही और धनिया वाली चटनी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। डाल देंगे इसमें 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक डाल देंगे, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डाल देंगे, थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे, साथ ही 1 बर्फ़ का टुकड़ा डाल देंगे। इसे ठंडा रखने से ग्राइंड करते टाइम जो हीट होगी उससे चटनी का रंग जो है वो काला नहीं होगा और चटनी जो है वो एकदम हरी बनी रहेगी। अब हम इसे पीस लेते हैं। तो ये देखिए कितनी हरी चटनी बनकर तैयार हुई है। आप इसे किसी भी सैंडविच, चाट या स्टार्टर के साथ यूज़ कर सकते हैं। सारी तैयारी हो चुकी है और ये देखिए बैटर भी पहले से फूल चुका है। डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऊपर से हम इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बैटर भी पहले से फ्लफ़ी होने लग गया है। तो ये भल्लों का बैटर एकदम तैयार है। बिना डीप फ्राई भल्ले बनाने के लिए हम अप्पे पैन का यूज़ कर रहे हैं। करेंगे अप्पे पैन को बिल्कुल थोड़े से ऑयल के साथ ग्रीस। अब सभी मोल्ड्स में हम बैटर को भर लेंगे। अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और अगर आप इन्हें डीप फ्राई नहीं करना चाहते तो एक पैन में तेल डालकर आप इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। अब इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन को हटाकर देखते हैं। ये देखिए भल्ले कैसे फूल गए हैं, कितने ही अच्छे लग रहे हैं दिखने में ये। अब हम सभी भल्लों के ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देंगे। अब इन्हें वुडन स्पैचुला और चम्मच की सहायता से पलट देंगे। आप चाहें तो पलटने के लिए चाकू का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए दिखने में कितने ही अच्छे लग रहे हैं ये भल्ले। अब ढककर हम दूसरी तरफ से भी इसे पका लेंगे। आइए ढक्कन को हटाकर देखते हैं। ये देखिए भल्ले एकदम तैयार हैं। अब हम सभी भल्लों को एक एक करके सीधा हींग और नमक वाले पानी में डाल देंगे। अब हमें इसे इसी पानी में भिगोकर रखना है। उसके लिए एक टाइम लिमिट है, कम से कम 20 मिनट और मैक्सिमम 35 से 40 मिनट। उससे ऊपर हमें इसमें नहीं रखना भल्लों को, क्योंकि उससे ऊपर पानी में रखने से भल्ले जो हैं वो टूट सकते हैं। इसी तरह हम बाकी भल्ले बना लेते हैं। तो ये देखिए पहले बैच वाले भल्ले किस तरह फूल चुके हैं, फ़र्क तो आपको दिख ही रहा होगा। दही भल्ले पूरी तरह से तैयार हैं। आइए अब दही भल्लों को सर्व करते हैं। भल्ले को पानी में से निकालने के बाद बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसका पानी निचोड़ेंगे। हमें इसे ज़्यादा प्रेशर से नहीं निचोड़ना, वरना भल्ले जो हैं वो टूट सकते हैं। अब इस भल्ले को हम डिश में रख देंगे। इसी तरह हम सभी भल्लों का पानी निकाल कर उसे इस डिश में रखते जाएंगे।
ऊपर से डालेंगे तैयार किया हुआ दही। सभी भल्लों को अच्छे से हम दही से कवर कर देंगे। डालेंगे हरी चटनी, खट्टी मीठी आमचूर की चटनी डाल देंगे। लास्ट में डालेंगे ऊपर से दही भल्ले का तैयार किया हुआ मसाला। तो ये देखिए लग रहे हैं ना देखने में एकदम स्ट्रीट स्टाइल चाट वाले दही भल्ले। और ये देखिए कितने सॉफ्ट बनकर ये हमारे दही भल्ले तैयार हुए हैं। अगर आपको दही भल्ले की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप सब तक पहुंचती रहे। तो इन दही भल्लों को घर पर जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जल्दी मैं अपनी नई रेसिपी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।